परीक्षा के चौंकाने वाले नतीजों ने दो छात्रों की जान ले ली है। नतीजों को लेकर आज नाराज छात्र बिहार के कई जिलों में सड़कों पर उतरे और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों की अब मांग है कि उनकी कापियों की दोबारा जांच की जाए। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी कि इंटर का रिजल्ट को लेकर बिहार बोर्ड ने जितनी जल्दी दिखाई है और वाह वाही लूटी और नया कीर्तिमान बनाया, उतनी ही जल्दी अब उतनी ही फजीहत हो रही है। स्टूडेंट्स अपने मार्क्स की गड़बड़ी को लेकर सड़क पर उतर आए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनका प्रदर्शन करना सही भी है क्योंकि बिहार बोर्ड ने इस बार रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में रिजल्ट को मात्र 17 दिन में घोषित कर दिया, जिससे गड़बड़ी तो होना ही था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंटर के कॉपी जांच में गड़बड़ी तब होती है जब बोर्ड प्रेशर डालता है टीचर्स पर तय समय से कम समय में कॉपी जांचने को, तो जिसकी वजह से गड़बड़ी का चांस जो है काफ़ी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि विरोध कीजिए। मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो है विरोध कीजिए, मगर जो है उग्र प्रदर्शन ना कीजिए जिससे किसी को हानि हो, किसी को चोट पहुँचे। दोस्तों, ये स्टूडेंट्स को शोभा नहीं देता। दोस्तों, YouTube में जितना वीडियो दिखाया जा रहा है, जिस तरह से आपको दिखाया जा रहा था कि प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ इसकी मौत हो गई, उसकी वो हो गई, इस तरह से जो भी है चोट गांठ जो भी दिखाया जा रहा है, सारे जो है वो सही नहीं होते, बहुत सारे इसमें फेक भी लगे रहते हैं। तो जिससे होता क्या है कि लोग जो स्टूडेंट्स हैं या लोग हैं, उनको लगता है कि उनको और उनका मनोबल ऊंचा होता है कि चलो भाई हम भी प्रदर्शन करते हैं। तो इससे इसमें वीडियो में जो भी दिखाया जाता है सब सही नहीं होता है, इसलिए संयम रखें। बोर्ड की तरफ से ज़रूर कोई ना कोई फैसला आएगा। बाकी जो है अपडेट के लिए हमारे चैनल राइजिंग कैरियर पॉइंट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है बढ़ा चढ़ा के या जो है फेक न्यूज़ नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक दें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए।